ठीक है, आज हम लोग फिर उपस्थित हैं छीन लो सिलेक्शन सीरीज 6 के तहत, है ना। इसके पहले हम लोग पांचवा सीरीज देख चुके हैं और उसमें पांच सीरीज का मतलब है 10, 5, 50 प्रश्न तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप लोग इससे ज्यादा प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग छठा सीरीज में देख रहे हैं क्या कि पहला क्वेश्चन देखिए, उजला सोना किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। ठीक है, उजला सोना यानी व्हाइट गोल्ड, इसको बराबर पूछा जाता है, व्हाइट गोल्ड इसे कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। ठीक है, तो कपास के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। कपास जो होता है वो किस प्रकार की मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में होता है। ठीक है, यानी कि कपास का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, काली मिट्टी में होता है। ठीक है, और ये काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, या इसमें बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है किस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कपासी मिट्टी किसको कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। और एक भी बात जान लीजिए आप लोग, मिट्टी का जहां बात आया तो मिट्टी के बारे में आप लोग जान लीजिए कि ICAR, ठीक है, ICAR, ठीक है, तो इसके आधार पर ये जो है ICAR मिट्टी को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में। भारतीय जो मिट्टी है, भारतीय मिट्टी को ICAR ने कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में, ICAR। ठीक है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ये कितने भागों में भारतीय मिट्टी को बांटा है, 8 भागों में बांटा है, उसमें से एक जो है काली मिट्टी है। उस काली मिट्टी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, कपास का होता है। और दूसरी बात जान लीजिए कि काली मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद कर्नाटका, ठीक है, आप याद रखिएगा कि काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और उस मिट्टी में सबसे ज्यादा किस चीज का प्रोडक्शन होता है, कपास का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और कपास के बारे में ये भी बात जान लीजिए कि कपास एक ऐसा फसल है जिसने 200 से अधिक पाला रहित दिन का होना आवश्यक है, नहीं तो कपास वहां खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप जान लीजिए। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या कि दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत बार बीपीएससी में या फिर अन्य एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ठीक है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है। देखिए, इसमें कंट्रोवर्सी रहता है, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जवाब कहीं कुछ रहता है तो कहीं कुछ रहता है। ठीक है, लेकिन आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि इसका सही आंसर जो होगा 8 मिनट 20 सेकंड होता है। कितना होता है, 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इसको बढ़िया से आप याद रख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इससे इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको देखिए कि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, यानी कि चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, और उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, बहुत ही कम, 1.3 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 1.3 सेकंड मात्र। ठीक है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया, ये भी हो गया। तीसरा देखते हैं कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन जो है अब केंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। अब जैसे जानते होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ये जो होगा सेंट्रीफ्यूगल जो माने सिद्धांत है उस पे काम करता है, यानी कि वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर काम करता है, ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा कि लहसुन में गंध किसके कारण होता है, तो लहसुन में गंध सल्फर के यौगिक के कारण होता है, या कहीं कहीं सिर्फ सल्फर देगा, आप सल्फर आंसर कीजिएगा। ठीक है, यानी कि लहसुन में गंध किसके कारण होता है, सल्फर के कारण होता है, या कहीं कहीं सल्फर यौगिक भी लिखता है, तो आप सल्फर यौगिक आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पांचवा नंबर का प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि वह सबको प्रदान करता था, लेकिन यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक अदाता, यानी कि देने वाला नहीं, ये ग्रहण करने वाला, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक
ग्रहण करने वाला यानी कि एक्सेप्टर, ठीक है, ये सबसे ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो ब्लड ग्रुप होगा, ये ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए बी, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए कहा जाता है कि ये सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप से ब्लड ले तो सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता, यानी कि ये लेने वाला है इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कालाजार की चिकित्सा के बारे में, सबसे पहले जो टीका यानी कि टीका कहिए या कालाजार की चिकित्सा कहिए, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, यू एन ब्रह्मचारी, किसने बताया यानी कि यू एन ब्रह्मचारी ने कालाजार की चिकित्सा के बारे में बताया। मैं इसके पहले भी कालाजार के बारे में चर्चा कर चुका हूं। इसमें क्या देखे थे हम लोग, कालाजार की चिकित्सा एक प्रोटोजुआ यानी कालाजार जो होता है वो प्रोटोजुआ के माध्यम से फैलता है, ठीक है। ये प्रोटोजुआ का क्या नाम बताए थे हम, लीशमानिया डोनोवानी, क्या होगा, यानी कि कालाजार जो होता है वो किस प्रकार के प्रोटोजुआ से होता है, लीशमानिया डोनोवानी, ठीक है। जबकि वहीं पर अतिसार के बारे में आप पढ़े होंगे, अतिसार किस प्रोटोजुआ के वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, किसके द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये क्या है, प्रोटोजुआ का नाम है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि कालाजार किस प्रोटोजुआ से होता है उसको इसलिए नहीं लिख रहे कि आपको पहले पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। अब ये कालाजार की चिकित्सा हम देख लिए, लीशमानिया डोनोवानी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न देखिएगा, हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है, यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है वो जॉन्डिस जो होता है, जॉन्डिस का ही विस्तृत रूप कह सकते हैं हम, ठीक है। इसको ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो ये लीवर को प्रभावित करता है, इसको प्रभावित करता है लीवर को। प्राय आप देखिएगा कि लीवर जो लीवर बहुत ये क्या कहते हैं उसको, ये जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि हेपेटाइटिस का जो है वो हेपेटाइटिस के बारे में भी आपको बोलता है कि आप इसका भी टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है। तो ये जो है हेपेटाइटिस किससे संबंधित है, यानी शरीर के किस भाग को, किस पार्ट को प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर होगा लीवर, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि भी कहा जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आठवां नंबर प्रश्न, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य के कान में तीन प्रकार की हड्डियां होती है और दोनों कान मिलाकर के कितना होगा, छह हड्डियां होती है। और ये भी बात जान लीजिए कि शरीर का जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की ही हड्डी होती है, जिसका क्या नाम है, स्टेप्स नाम है, क्या नाम है, स्टेप्स। और ये भी बात जान लीजिए जो तीन प्रकार की हड्डी होती है उसको हम लोग एक कोड के माध्यम से याद रखते हैं कि क्या होता है, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। कान की कितनी हड्डियां होती है, तीन हड्डियां, ये कौन कौन, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। मिस याद रखिएगा, मिस, मिस का मतलब हम लोग क्या देखें, मेलियस, इंकस और ये तीसरा स्टेप्स, ये तीन प्रकार की हड्डियां कान में पाई जाती है, दोनों मिलाकर के कितना हो गया, छह हो गया। तो अब इसमें एक प्रश्न और बनता है कि सब शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम याद रखिएगा स्टेप्स। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम होता है, वो जांघ की हड्डी होती है और उसका नाम होता है फीमर, वो भी बात आप याद रख लीजिएगा इसमें, ठीक है, यानी कि वो फीमर हड्डी होती है। चलिए, और मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि हम लोग ये सोचते हैं कि काफी आसान होता है, तो परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है, और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 से अधिक, या आपको 300 भी ऑप्शन है तो आप 300 पे क्लिक कीजिएगा, 300 मानिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नौवां नंबर का प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांतें दो बार आती है, तो कितनी दांतें दो बार आती है, 20 दांतें, यानी कि दूध के दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं, 20, वही 20 दांत जो है वो दो बार आती है, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड सवाल जो पूछा जाता है, आप इसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या होता है कि बच्चों में जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2120/2120,
यानी कि देखिएगा दांत कितने प्रकार के होता है, चार प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें चार प्रकार का कौन कौन, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, यानी कि ये चार प्रकार का दांत होता है। और चार प्रकार, ये बच्चों का डेंटल फॉर्मूला आप लिखे लिख लीजिएगा, बच्चों के दांत का सूत्र, बच्चों के दांत का सूत्र क्या होता है, 2120/2120, जबकि बड़ों में यानी कि एडल्ट में ये कितना होता है, बड़ों में डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि इसका डेंटल फॉर्मूला ये पूछा जाता है परीक्षा में, डेंटल फॉर्मूला ये कितना होता है, 2123/2123, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, डेंटल फॉर्मूला क्या पूछा जाता है, बड़ों का क्या होता है और बच्चों का क्या होता है, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा नामक बीमारी होती है। ऑलरेडी यदि मेरा विटामिन का वीडियो देखे होंगे तो आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं, विटामिन B5, ठीक है, विटामिन B5, उसको हम लोग नियासिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बस इसी तरह आप जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों को 10 सवाल, ऐसे कहने का 10 सवाल, लेकिन आप देखे ही होंगे कि 10 से कितना अधिक, यानी कि 20 सवाल से ऊपर जाता होगा, ठीक है। आप प्रतिदिन देखिए, निश्चित रूप से इसी तरह एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।